नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुंबई माया नगरी से सटे कल्याण इलाके की कहानी है जो पिछले 3 सालों से 15 घर अंधेरे में रहती है। बिना लाइट के 3 साल गुजार दिया, 4th साल लगा है यानी 2020 चल रहा है। 15 परिवार अंधेरे में क्यों रह रही है, इसकी क्या वजह है? हम सीधा आपको ले चलते हैं उस इलाके में जहां पर बिजली की मार झेल रहे हमारे सहयोगी सबिया हुसैन शेख ने उनसे क्या बातचीत की है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हम हैं कल्याण के इंदिरा नगर में। यहाँ के लोगों ने हमें बुलाया है, क्यों बुलाया है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये जो बिल्डिंग है ये BSUP के स्कीम में बनाई गई बिल्डिंग है। यहाँ पे कुछ लोगों का क्या कहना है, क्या परेशानी है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आपकी क्या परेशानियाँ हैं? मेरा नाम रेशमा शेख है और हम लोग को लाइट का मीटर नहीं लगा है। पहले हम लोग यहाँ पर इंदिरा नगर में रहते थे, हमारा झोपड़ा था, तो बिल्डरों ने आके हम लोग को बोले कि यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, तो हम लोग को ये पत्रे के रूम बना कर दिए थे, लाइट पानी तो दिए थे, लेकिन वो बोले तुम लोग का मीटर नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लो, हम लाइट पानी फ्री मिलेगा। जब आपके यहाँ पे झोपड़े तोड़े गए थे तो आपके मीटर खुद के थे, यहाँ पे लगे हुए थे? हाँ, हमारे मीटर खुद के थे और KDMC वाले और लाइट मीटर वाले आके दोनों ने मीटर लेकर गए और बोले कि तुम्हारा मीटर जब लगेगा तब तुमको खुद का रूम तुम्हारा बिल्डिंग में मिलेगा। और लोगों ने म्यूनसिपालिटी का मीटर लगा के हम लोगों को लाइट दिया था, पानी दिया था, और 1.5 साल का बोल के हम लोग को 7 साल लग गए घर देने को, और जब घर दिए तो उसमें मीटर ही नहीं, हम लोग अंधेरे में 2.5 साल से रह रहे हैं। 7 साल के बाद जब ये जो बिल्डिंग बनी उसमें आपको रूम दिए गए, तो आपके मीटर लगाए थे इसमें? नहीं, हमको रूम दिए तो तभी मीटर नहीं लगा हुआ था। मीटर के लिए हम लोग बहुत भागदौड़ किए, म्यूनसिपालिटी गए, म्यूनसिपालिटी वाले बोलते हैं कि KDMC जाओ, KDMC में लाइट मीटर वालों के पास जाओ। लाइट मीटर वालों के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वो म्यूनसिपालिटी में जाओ। वहाँ पर जाते तो वो हमको दौड़ाते, ये साहब के पास जाओ, वो साहब के पास जाओ, ब वार्ड जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, हम लोग का कुछ कोई सुनता नहीं, बोले हमारे हाथ में नहीं, वो बोलता हमारे हाथ में नहीं। इस तरह से हम लोग को 1 साल से 2 साल से बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग भागते दौड़ते थक गए। कहना है कि पिछले 2 सालों से इनके घरों में बिजली नहीं होने की वजह से ये लोग अंधेरे में रहते हैं। कल्याण शहर में रहते हैं मगर जिंदगी जंगल में रहने वाले जैसी जी रहे हैं। मुंबई माया नगरी से सटे इस शहर के कुछ लोगों के घरों में पिछले 2 सालों से लाइट न रहने और पूरा परिवार अंधेरे में रहता है। काफ़ी कुछ शासन प्रशासन आँखें बंद कर कर बैठे हैं। यहाँ हमें और भी लोगों से बात करते हैं, आपकी क्या परेशानी है? लाइट नहीं, पाण्याचा प्रॉब्लम सगळा, पुन्हा आता इथे पोरांची शाळा परीक्षा आहे, किती वर्ष झाली, 2.5 वर्ष झाली, आज लाइट देतो उद्या लाइट देतो, इकडे जा तिकडे जा, कर करू आम्ही परेशान झालोय। लेकरं अंधारात उडली बारकी पडलं केलं, कोण जबाबदार आहे त्याचा? आप लोगों को जब बोला जाता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हाँ? तो आप बिजली विभाग वालों के पास गए थे? जाओ आता त्यांच्याकडे 2-4 महिने जाऊन कटाळून गेलो ना, इकडे जा तिकडे जा कर करू। 2.5 वर्ष झालं आम्ही म्युनिसिपालिटी जातोय, पुन्हा तिकडे ह्याच्यात जातोय, इकडे तिकडे जाऊ 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 परेशान झालं। ती म्हणते ती आताच लागल मगच लागल, कवा लागायची लाईट, त्यां अशी करते ती। आता 2.5 वर्ष झालं हिंडतोय, ती म्हणते ती आम्ही देतोय, मग आता ती कवा देणार आहे ती आम्हाला लाईट तरी? तुम कित्ते साल से ये पत्रे की चाल में? 7 साल से ये पत्रे के चाल में रहते है, बहुत मुसीबत दिन निकाले हमने। 7 साल के बाद में हमको BSUP में घर मिला तो साहब बोला तुम्हारा मीटर तुमको लग जाएगा, वो मीटर भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं, सब इधर उधर भटकने लगे मीटर के लिए, कोई हमको साथ नहीं दिया, सबने हकल के दिया, और ऐसे विकट परिस्थिति में हम दिन निकल रहे क्या समझो मत। बच्चे लोग बीमार है, इधर जा रहे हॉस्पिटल में, कोई इधर कोई उधर, ऐसी परिस्थिति में हम कैसे दिन निकलते हैं? अब देखो तुम, हमको मीटर चाहिए, मीटर चाहिए, मीटर चाहिए हमको। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शफी है। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी ये है कि जो इंदिरा नगर की जो झोपड़पट्टी है ये एक BSU योजना की तरफ है और इसको तोड़कर हमको बाजू के शिफ्ट में अपना ब्रिटेन में शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट के अंदर जो भी है
लाइट पानी बिल्डर के तरफ से है, उन्होंने वादा किया था 1.5 साल में अपना आपका जो अपना बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें आपको शिफ्ट किया जाएगा। तो हमारे जो मीटर है अपना म्यूनसिपालिटी KDMC तथा ये अपना MSEB उनके पास जमा है और उन्होंने बताया था कि बिल्डिंग की परमिशन देने के बाद आपका मीटर लग जाएगा और अभी तक नहीं लगा है। और जबकि हमारे को पोजीशन लेटर और तावा पत्र दे के 2017 तथा आज 2020 हो गया है, 3 साल में हम लोग अंधेरे के अंदर रहते हैं, उसके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं ये है और दुनिया भर की जो अपना मच्छर वच्छर जो भी है बीमारी है, अगर कुछ अगर हादसा अगर हो गया है तो उसका जवाबदार कौन है। और जबकि जिन्होंने ताबा पत्र दिया है वो सचिव सेक्रेटरी वही जवाबदार रहेंगे अगर कुछ बड़ा अगर हादसा हो गया तो। नगर सेवक के पास भी गए, जो भी है यहाँ पे स्थानीय नगर सेवक जो भी है ये के पास भी अपनी परेशानी बताए है, बता किसी ने हमारी मदद नहीं किया। फिलहाल अभी कौन हमारे को लाइट लगा दे रहा है, जबकि पूरी जिम्मेदारी KDMC बनती है तथा उनको मीटर हमारे लिए लगा के देना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना है, पिछले 2 सालों से यहाँ इनको लाइट के लिए अंधेरे में जिंदगी बिता रहे हैं। ये वही बिल्डिंग है जिसमें ऐसे 15 परिवार है जो बिना बिजली के अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं KDMC BSUP स्कीम और MSEB की लापरवाही की पोल खुल रही है। तो आपने सुना इनकी कहानी कुछ अजीब सी है, इनकी दर्द काफ़ी कुछ बयां कर रही है। इंदिरा नगर के लोगों का मामला मुंबई मायानगरी की पोल खोलती दिख रही है, यहां तक उन अधिकारी महावितरण और KDMC के लोगों की भी पोल खोलती नज़र आ रही है। ये इंदिरा नगर के लोग 3 साल गुजार दिया है बिना लाइट के अंधेरे में रह रही हैं, 15 परिवार इसके लिए आगे कौन आएगा, इनको इंसाफ कौन दिलाएगा, इनके घर में लाइट कौन पहुंचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और हम आपको बता दें, सन 2004 में झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई अभियान के तहत कई स्कीम महाराष्ट्र में लाई गई, जिनमें जहां झोपड़पट्टी हैं उन्हें तोड़कर बिल्डिंग बनाई जाए और जिनके झोपड़े तोड़े गए हैं उन्हें उस बिल्डिंग में घर दिए जाएँ। इन्हीं स्कीमों के जरिए, इन्हीं स्कीमों के तहत हर झोपड़ा धारकों को 250 स्क्वायर फीट के घर दिए जाएं, मगर 250 स्क्वायर फीट के घर पर विवाद होने पर सन 2008 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने ऐलान किया कि जितने भी झोपड़े तोड़े जाएंगे सभी लोगों को एक समान 350 स्क्वायर फीट के घर मिलेंगे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरी पुनर्वसन अभियान के तहत BSUP योजना के KDMC यानी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की हद में आने वाली इंदिरा नगर नामक झोपड़पट्टी सन 2010 में तोड़ी गई और वहां रहने वाले लोगों को इस योजना के तहत बिल्डिंग बनाने वाले माधव कंस्ट्रक्शन नामक बिल्डर ने पत्रे से बने झोपड़े में लोगों को शिफ्ट कर दिया और ये कहकर बिल्डिंग बनेगी तो हम फौरन आपको BSUP बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। साथ ही जिन लोगों के झोपड़े उस वक्त तोड़े गए थे तब उसमें लगे बिजली के मीटर और पानी की कनेक्शन काट दिया गया था, जिस पर KDMC और माधव कंस्ट्रक्शन ने इन लोगों को पतरे के झोपड़े में अपनी तरफ से बिजली और पानी की बात कही थी। इसके बाद लोग उस पतरे के रूप में रहने लगे, मगर जिस बिल्डिंग को 1.5 साल में बनना था उसे बनने में पूरे 7 साल लग गए। वही 2010 में तोड़े गए झोपड़ों में रहने वाले लोग 7 साल पतरे के रूप में रहे। साल 2017 में BSUP स्कीम के तहत बनी बिल्डिंग में अपने घर में पहुंचे तो कुछ लोगों को यह कहकर बिजली का मीटर नहीं लगाया गया कि पतरे में रहने वाले लोगों ने बिजली बिल नहीं भरा है। इस पूरे मामले में अधिकारी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कतरा रहे हैं, लेकिन ये 15 परिवार
को और कितना दिन अंधेरे में रहना पड़ेगा, क्योंकि और भी लोग इनके साथ थे जिनको मीटर लगा कर दिया गया है। महावितरण के तरफ से KDMC ने उनको सपोर्ट की है, मगर ये 15 परिवार ही सिर्फ अंधेरे में क्यों है? क्योंकि ये भी इनका भी जो है झोपड़े थे, इनको इनका भी झोपड़ा तोड़ा गया था, इनको भी शिफ्टिंग दिया गया था, उसके बाद जो है BSUP में फिर इनको जो है वापस लिया गया, इनके घर के बदले घर दिया गया। आखिर ये सिर्फ 15 लोगों पे ही टारगेट क्यों किया गया, इनको क्यों मीटर नहीं दिया गया, ये एक सवाल बना हुआ है। और जब तक इनकी मीटर नहीं लग जाती है, एक सवाल बना हुआ रहेगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।